हेलो नमस्कार। आज के मनोवैज्ञानिक टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो मनोवैज्ञानिक फैक्ट्स टिप्स जो जीवन को बदल दे, आदत जो जीवन बदल दे, आदतों का जादू जो जीवन बदल दे, उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। और आज के टिप्स में हम जानने वाले हैं कि कुछ भी नए करना सबसे बड़ी गलती है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कोई अपराध है तो वो है कुछ नए करना। सबसे बड़ी गलती अगर हम अपने जीवन में कर सकते हैं वो गलती है कुछ नए करने की गलती। अगर हम कुछ नए करने का सोचें तो इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती है। और ज़्यादातर इंसान चाहता है कि वो जीवन में कुछ नया करे, कुछ बड़ा करे, लेकिन इस नया और बड़ा करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो ज़रूरी जो तथ्य है, वो है हमारा विश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस। बड़ा करने के लिए बड़ा हौसला चाहिए। और हौसला वही रख पाते हैं जो गलती करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो कुछ भी अगर कुछ नया करना हो, बड़ा करना हो, तो उस एवज में गलतियां भी होंगी, लेकिन उन गलतियों से सीखना है। इंसान गलती को ना दोहराए, इसे लर्निंग एटीट्यूड कहा जाता है। और इंसान गलतियों को बार बार दोहराता रहे, इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहा जाता है। तो हम गलती एक बार करें ये अच्छी बात है, बार बार करें ये बुरी बात है। एक बार गलती की, उससे हमने सीख लिया और बाद में वो नहीं दोहराई जा रही है, तो इसका मतलब वो गलती नहीं, हमारे लिए एक सबक है, हमने उससे कुछ नया सीखा है। तो जिन लोगों ने भी कुछ नया किया है, कुछ भी बड़ा करने की हिम्मत की है, तो उनके जहन में गलतियां करने का विश्वास भी तो बड़ा था। अगर हम गलतियों से बचना चाहते हैं, गलतियों को अवॉइड करना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि जो मिलने वाली सफलता है, जो मिलने वाला आउटकम है, वो भी बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत काबिले तारीफ नहीं होगा। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया जाता है, हमें जिंदगी में कुछ नया करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन गलतियों से कैसे उबरना है और गलती चलने का हिस्सा है, इस बात पर हमेशा पर्दा सा डाल दिया जाता है। बच्चा जब पहली बार चलता है तब वो गिरने की गलती नहीं करता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि गिरना एक गलती है, वो उसे चलने का हिस्सा मानता है। अगर बच्चे को पहली बार जिसने चलना स्टार्ट किया है वो गिर रहा है, उसे चोट भी लगी, उसे ये कहा जाए कि चलना तेरी बस की बात नहीं है, तू चलने की हिम्मत मत कर, तुझे चलना कहाँ आता है, तू इतनी बार गिर रहा है और इतनी बार चोटें भी खा रहा है, अगर बच्चा गलती से भी उस सलाह पर अमल कर ले तो क्या वो चलना सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा। बच्चा ऐसी भूल नहीं करता है, वो ये नहीं सोचता है कि मुझसे गलती हो रही है तो मैं चलना बंद कर दूं, वो चलना निरंतर जारी रखता है और एक दिन अच्छे से चल भी पाता है और दौड़ मैराथन क्या वो गोल्ड मेडल तक ओलंपिक में जीतने वाली दौड़ भी दौड़ लेता है। क्या पहला दिन उसका ये संकेत दे रहा था कि ये बच्चा, ये इंसान गोल्ड मेडल भी जीत सकता है दौड़ के अंदर? ये पहले दिन हम नहीं बता सकते, क्योंकि पहले दिन हमसे गलतियां हुई। जो गलतियों से सबक लेता है, जो गलतियों के लिए हमेशा खुद को तैयार रखता है, वो हमेशा जीवन के क्षेत्र में, जीवन के फील्ड में विजयी रहने की, विजयी होने की संभावना को भी प्रबल बना देता है। तो आज से ही हम ये सोच लें कि कुछ नए करना सबसे बड़ी गलती है और कुछ करना सबसे बड़ी शुरुआत है, उस बड़े की शुरुआत है। 1000 मील लंबी यात्रा भी
एक एक कदम से तय होती है, जरूरी है वो पहला कदम उठा लेना। अगर पहला कदम ही नहीं उठाया गया तो हजार मील लंबी यात्रा कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो एक एक स्टेप रोज उठाएं, कुछ नया अपने जीवन में ऐड जरूर करें। डेली कुछ न कुछ नया करने के लिए तत्पर रहें, कुछ न कुछ जीवन के अंदर ऐड करते रहें, कुछ नया सीखते रहें, और ये अंत में जाकर बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं, बहुत बड़ा आउटकम हमें प्राप्त होता है। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि आने वाले हमारे वीडियो उन तक आसानी से पहुंच जाए, और कोई भी ऐसा इंसान जो गलतियों के कारण अपने जीवन में परेशान है, हताश है, इन वीडियो से उसके जीवन में थोड़ी बहुत भी खुशी आ पाए, नया करने का जज्बा, जुनून उसमें आ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।